रियल और पॉन दोनों में कितना फर्क है। मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो डाला था उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया, लोगों को बहुत पसंद आया। अब मैं ला रही हूँ इसका पार्ट नंबर टू, रियल सेक्स और पॉन में कितना फर्क होता है और ये कितना रियलिटी के पास है, डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। तो अगर आप भी पॉन देखते हैं और वैसा ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सच्चाई और पूरा पर्दाफाश मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, अंत तक देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यस, हम सब पॉर्न देखते हैं और हमारा जो पहला सेक्स का स्टिमुलेशन है या फिर विजुअलाइजेशन है कैसे होता है वो हमें पॉर्न बताता है, क्योंकि हमने रियल में तो देखा नहीं होता है तो वही हमें बताता है। बट हमेशा समझिए कि वो फिल्म है, वो रियल नहीं है, उसमें क्या सच्चाई है, कितना फेकनेस है, सब बात करते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि जो रियल सेक्स है वो थोड़ा सा मेसी होता है, थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन जब आप पॉर्न में देखते हो तो बेडशीट्स भी बिल्कुल साफ़ हैं, सोफ़ा भी बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा रियल में नहीं होता। जब आप रियल में सेक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट भी हो सकते हैं, कभी कभार हुक नहीं खुल रहा होता, कभी कभार कुछ अटक जाता है, कभी कभार बहुत गंदगी होती है, कभी कभार मे बी यू नॉट फाइंड अंडरवियर बहुत ज़्यादा साफ, स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, या फिर मे बी समटाइम्स यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद पर्टिकुलर थिंग, तो ऐसा हो सकता है। रियल सेक्स कैन बी मेसी, थोड़ा सा गंदा, और वही सेक्स की रियल डेफिनेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल साफ सुथरा और जैसा दिखना चाहिए वैसा ही होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्गेज्म। लोगों को लगता है कि जब फीमेल को ऑर्गेज्म आता है तो वो बहुत ज़ोर से चीखती हैं, जैसे उन वीडियोस में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होता है। एग्जैक्टली वो सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई लोगों को बहुत साइलेंट ऑर्गेज्म पसंद है, कई फीमेल्स ऐसी हैं जो एक्चुअली आपको बताएंगी ही नहीं कि उन्हें ऑर्गेज्म फील हो रहा है, या कई लोग उतना ज़ोर ज़ोर से चीखते और बात करते नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है कि अगर वो चीखी नहीं है, चिल्लाई नहीं, इसका मतलब उन्हें ऑर्गेज्म नहीं आया है। इट्स बिट नो, ऐसा नहीं होता। चौथा बहुत बड़ा जो डिफरेंस है पॉर्न और रियल में, जो कि एक्चुअली आपको समझना है, वो है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आना। अगर आपको लगता है कि मेल कैन हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्चार्ज, या फीमेल जब स्क्वर्ट करती हैं तो ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा हो या कोई पिचकारी हो, ऐसा रियल में नहीं होता है। दैट इज़ ऑल फेक, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी फीमेल को स्क्वर्ट होती ही नहीं है, तो अगर आप ये फील कर रही हैं कि हाय मुझे तो कुछ डिस्चार्ज ही नहीं हुआ, मुझे तो स्क्वर्टिंग ही नहीं हुई, उतनी ज़ोर से नहीं हुई, तो शायद मेरे पार्टनर ने मुझे ऑर्गेज्म ही नहीं दिया, या आप अपने हस्बैंड के सर के पीछे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ ऑल फेक। आपको सिर्फ वही पोर्शंस दिखाए जाते हैं जो कि क्लीन होते हैं या जिनके अंदर मल्टीपल एडिटिंग्स की जाती हैं। फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीपल पोजिशंस। अब आपको लगता है कि एकदम से पोजिशन बदल ली, टांग उल्टे, 90 डिग्री का एंगल, मे बी सोफे के नीचे, चादरों के पीछे, मे बी सीढ़ियों में, वॉट एवर, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि इतनी मल्टीपल एक्रोबैटिक पोजिशन करने से आपको ज़्यादा प्लेजर आने वाला है, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपनी कंफर्ट सेक्स पोजिशंस होती है। यस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली ट्राई करो, सोफे पे भी ट्राई करो, टेबल पे भी ट्राई करो, दैट्स ओके। बट ज़्यादा हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपने पेनिस फ्रैक्चर के बारे में सुना होगा, मे बी आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, कमर में दर्द हो सकती है, डिस्क हिट सकती है, मल्टीपल चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वहाँ दिखाया जाता है उतना प्लेजरेबल और कम्फर्टेबल नहीं होता। हर किसी का अपना टाइम है, हर किसी की अपनी चॉइस है, तो अगर आपको लगता है कि 40-45 मिनट्स चलना चाहिए, वो भी रियल नहीं है। ये वीडियो मेरी लास्ट वाली वीडियो के कॉन्जुगेशन में है, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है इसे यहाँ देखें, वो डिटेल में जाने। और ऐसे रियल फैक्ट्स के लिए और वीडियोज आती रहेंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कुछ और टॉपिक है या कोई और चीज़ आपको लगता है डेफिनेटली ये फेक होती होगी, रियल नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियोज बनाऊंगी। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे कनेक्ट करें, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।